आज के वीडियो में एवरेज ऑफ फाइव हम निकालेंगे RS3M 2020 को यूज करके। लास्ट वीक ही हमने इसका टेंशन लुब्रिकेशन एंड स्प्रिंग कंप्रेशन सिस्टम को सेट करके इसको कंपटीशन लेवल का हमने रेडी किया है, तो आज इसी के ऊपर हम एवरेज ऑफ फाइव निकालेंगे, लेकिन सेम स्क्रैम्बल यूज कर निकालेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे सेम स्क्रैम्बल क्यों, तो आप यहां देख सकते हैं गैन के इंस्टाग्राम पेज पे गैन ने ये स्क्रैम्बल शेयर किया एंड लिखा है, सॉल्व दिस स्क्रैम्बल 5 times, चैलेंज योर रिकॉर्ड ऑफ एवरेज ऑफ फाइव एंड सी हाउ फास्ट यू कैन गो। तो आज हम यही देखेंगे, आज हमारे एवरेज ऑफ फाइव को हम ब्रेक करेंगे, एवरेज ऑफ फाइव का जो पीबी है वो ब्रेक करेंगे स्क्रैम्बल से। ऑब्वियसली बहुत आसानी से कर लेंगे। एंड और एक भी चीज़ हमको ब्रेक करना है, वो है हमारा पीबी। पीबी बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक वो पीबी जिसमें या तो ओएलएल या फिर पीएलएल स्किप हुआ है, एंड वो पीबी जिसमें कुछ भी स्किप नहीं हुआ है बट बहुत आपका अच्छा टाइम आया है। तो मेरा वो टाइम है 8.24 seconds, एंड जो पीएलएल स्किप वाला पीबी था वो 7.34 seconds था। तो मैं 8.24 वाला जो पीबी है उसको हम ब्रेक करेंगे सेम स्क्रैम्बल से, एंड चैलेंज ये है कि कितने स्क्रैम्बल्स में के बाद आप कितने सॉल्व्स के बाद आप इस पीबी को ब्रेक कर पाते हैं। अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो सेकंड या थर्ड सॉल्व में ही आप अपने पीबी को ब्रेक कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं हम, आप भी ये चैलेंज ट्राई करिए, मैं भी ट्राई करता हूँ, देखते हैं हम कितने सॉल्व में अपने पीबी को ब्रेक कर पाते हैं एंड एवरेज को ब्रेक कर पाते हैं या नहीं। तो सबसे पहले आपको यहाँ बिल इनपुट करना होगा, तो आपको WCA पे क्लिक करना है एंड यहाँ आपको इनपुट पे क्लिक करना है। इनपुट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ स्क्रैम्बल एंटर कर लेना है। एंड यहाँ आपको ओके करने से पहले, यहाँ मैंने स्क्रैम्बल कम्प्लीटली एंटर कर लिया, एंड यहाँ ओके करने से पहले आपको इसको कॉपी कर लेना है। तो शिफ्ट पे क्लिक करके आपको इस साइड का बटन क्लिक करना है एंड आपको राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है एंड आपको ओके कर देना है। यहाँ ये स्क्रैम्बल इनपुट हो गया है भाई, यहाँ स्क्रैम्बल हमने एंटर कर लिया। चलिए देखते हैं हमारा एवरेज और पीबी ब्रेक कर पाते हैं या नहीं। एंड यहाँ फिर आपको CTRL होल्ड करके V प्रेस करना है जिससे आपका स्क्रैम्बल पेस्ट हो जाएगा, फिर आपको ओके दबा देना है। हर टाइम आपको इसी तरीके से करना है। तो फर्स्ट हमारा 9.09 सेकंड्स आया है टाइम, सेकेंड सॉल्व आई थिंक 8.76, बहुत करीब थे हम हमारे पीबी को ब्रेक करने में। एंड ये हमारा थर्ड सॉल्व है एंड हमने हमारे पीबी को ब्रेक कर लिया 7.93, 8.24 पीबी था लेकिन बगैर ओएलएल एंड पीएलएल स्किप के हमने हमारे पीबी को ब्रेक कर लिया एंड यहाँ सॉल्व चले गया। तो फिर हम इनपुट पे क्लिक करके CTRL एंड V, तो हमारा फिर से स्क्रैम्बल आ गया, 2 solves रिमेनिंग है और आपका चैलेंज ये है कि आप कौन से सॉल्व में आप अपने पीबी को ब्रेक कर पाते हैं, जैसा मैंने थर्ड सॉल्व में अपने प्रीवियस पीबी को ब्रेक किया है। एंड ये हमारा फोर्थ सॉल्व 7.80 seconds, फिर से इनपुट CTRL प्लस V, स्क्रैम्बल आपका पेस्ट हो गया एंड लास्ट सॉल्व हमको करना है। एवरेज तो हमने ब्रेक कर ली ऑब्वियसली, एंड ये हमारा फिफ्थ सॉल्व। तो एवरेज ऑफ फाइव आया है 8.54 seconds एंड हमारा इसमें पर्सनल बेस्ट टाइम जो है वो है 7.80 seconds।
एंड हमने पीबी को बड़े आसानी से ब्रेक कर लिया, एवरेज ऑफ 5 को भी हमने ब्रेक कर लिया। अब आपको भी ये चैलेंज ट्राई करना है एंड आपको बताना है कि आपको कितना टाइम लगा अपने पीबी को ब्रेक करने में। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोग को पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।